Hello friends, welcome back to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 4 AI and ML in Business, paper code KMBNIT 02. Friends, Unit 1, 2 और 3 के कंप्लीट रिवीजन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं स्टडी विद हर्षित पर, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और AI एंड ML इन बिजनेस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसका भी लिंक पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एक बार आप जरूर चेक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का रिवीजन। परसेप्ट्रॉन मॉडल। द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम वाज इन्वेंटेड इन 1958। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम जो है 1958 में इन्वेंट हुई थी, वो कॉर्नेल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में बाई फ्रैंक रोजब्लैट, फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च, जिसे फंड किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ने। इन मशीन लर्निंग द परसेप्ट्रॉन इज एन एल्गोरिथम फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ बाइनरी क्लासिफायर। मशीन लर्निंग में परसेप्ट्रॉन जो है एल्गोरिथम है सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए ऑफ बाइनरी क्लासिफायर का। ए बाइनरी क्लासिफायर इज ए फंक्शन विच कैन डिसाइड whether or no an input represented by a vector of numbers belong to some specific class. Single layered perceptron model. A single layer perceptron model includes a feed forward network depends on a threshold transfer function in its model. जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल है वो इंक्लूड करता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को, जो कि डिपेंड होता है Threshold transfer function in its model. It is the easiest type of artificial neural network that able to analyze only linearly separable objects with binary outcomes, that is 0 and 1. Multi-layer perceptron model. A multi-layer perceptron model has a structure similar to a single-layer perceptron model with more number of hidden layers. It is also termed as a backpropagation algorithm. जो multi-layer perceptron model है वो जो है backpropagation algorithm के नाम से भी जाना जाता है। It executes in two stages, फॉरवर्ड स्टेज एंड बैकवर्ड स्टेज। ये जो है एग्जीक्यूट जो होता है दो स्टेजेस में होता है, फर्स्ट होता है फॉरवर्ड स्टेज एंड सेकेंड है उसकी बैकवर्ड स्टेज। ग्रेडियंट डिसेंट एंड द डेल्टा रूल। द डेवलपमेंट ऑफ द परसेप्ट्रॉन वाज ए बिग स्टेप टुवर्ड द गोल ऑफ क्रिएटिंग यूजफुल कनेक्शन नेटवर्क कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट आर सेड टू बी लिनियरली सेपरेबल इफ द डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू class using a straight line. If the data is not divided into two classes using a straight line, such data point are said to be a called non-linearly separable data. अगर data जो है straight line से divide करने पर separable हो जाता है तो वो straight line होता है, और अगर वो separable नहीं हो पाता है, mix होता है data, तो वो non-linearly separable data कहा जाता है। The development of the perceptron was a big step toward the goal of creating useful connectionist network capable of learning complex relation between input and output. A step of data point are said to be linearly separable if the data can be divided into two classes using a straight line. If the data is not divided into two classes using a straight line, such data point are said to be non-linear data. इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका जो data है, data points हैं, अगर वो क्लासीफाई नहीं होते हैं डिवाइड करने पर स्ट्रेट लाइन से, तो वो नॉन लीनियर डेटा होगा, और अगर वो क्लासीफाई हो जाता है तो वो लीनियर डेटा होगा। इसमें ग्रेडियंट डिसेंट एंड द डेल्टा रूल में ये बताया गया है। डेल्टा रूल यूज्ड फॉर नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा एंड परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल वर्क गुड ओनली फॉर लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल, अब इसमें हम देखते हैं डायग्राम में शो करा है मैंने, ए और बी दो तरीके के डेटा है जो कि अलग अलग क्लासिफाई हो रहा है। अगर हम इसको सेकंड डायग्राम में आप देखिए स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करना चाहेंगे तो वो सेपरेबल है, सेपरेट हो सकता है, तो इसलिए ये लीनियर सेपरेबल डेटा है। इसमें अलग अलग पार्ट हो गए ए और बी के, इसमें डेटा मिक्स नहीं है। और आप देखिए इसमें डायग्राम में रेड लाइन जो शो करी है ये स्ट्रेट लाइन है जो कि डिवाइड करने के लिए यूज करी गई। तो आइए अब देखते हैं नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। नॉन लीनियर सेपरेबल, इसमें देखिए इसमें ए और बी मिक्स है, अगर हम डेटा मिक्स है, अगर हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ नहीं होगी और ना ही वो सेपरेट कर पाएगी कि डेटा अलग अलग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मिक्स है। अगर ड्रॉ तो होगी नहीं और अगर करते हैं तो फिर भी डेटा हमारा अलग नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है, अनेबल टू सेपरेट। ग्रेडियंट डिसेंट एंड द डेल्टा रूल, हियर इज द डायग्राम शो द मिनिमम एरर। इसमें देखिए डायग्राम है, इसमें कॉस्ट और वेट दो चीज़ का डायग्राम शो करा है। इसमें जो अगर हम वेट को चेंज करेंगे और जिस टाइम पर एरर हमारी सबसे कम होगी तो उस जगह पर हमें स्टॉप हो जाना है। अगर हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे तो वो मिनिमम एरर आने के बाद भी वो इंक्रीज हो जाएगी एक सर्टेन पॉइंट के बाद, बट ये जीरो नहीं होगी कभी भी। इसलिए मिनिमम एरर पर आपको स्टॉप हो जाना है, उस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। अगर आप उसको फर्दर चेंज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी एरर, इसी में यही बताया गया है। मल्टीलेयर नेटवर्क्स, ए स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीलेयर नेटवर्क आर नेटवर्क विद मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिलेशन इंक्रीजिंगली अटेम्प्ट टू मॉडल रियल वर्ल्ड सिस्टम एज मल्टी डायमेंशनल नेटवर्क हैव yielded valuable insight in the field of social network analysis, economics, urban and international transport, ecology, psychology, medicine, biology, commerce, physics, computational neuroscience, operations management, infrastructure and finance. Backpropagation algorithm. In machine learning, backpropagation is a widely used algorithm for training feed-forward न्यूरल नेटवर्क। बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क एल्गोरिथम जो है मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है, क्यों? ट्रेनिंग के लिए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को। जनरलाइजेशन ऑफ बैक प्रोपेगेशन एग्जिस्ट फॉर अदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड फॉर फंक्शनल जनरली। दीज क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम आर और रेफर्ड टू जनरली एज बैक प्रोपेगेशन। इन फिटिंग ए न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपेगेशन, compute the gradient of the loss function with respect to the weight of the network for a single insight output example and does so efficiently, unlike a direction computation of the gradient with respect to each weight individually. बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम में तीन लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ये तीन ही लेयर होती हैं जो कि बैक प्रोपेगेशन में होती हैं। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग जो है सबसेट है मशीन लर्निंग के, और मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग है सबसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्निक दैट एनेबल्स ए मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है जो कि मशीन को ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव करने सिखाती है। मशीन लर्निंग इज ए टेक्निक टू अचीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू एल्गोरिथम ट्रेंड विद डेटा। मशीन लर्निंग जो है टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि एल्गोरिथम को ट्रेन करती है किसके द्वारा? डेटा के द्वारा, लार्ज डेटाबेस। डीप लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन in the term of deep learning. This structure is called artificial neural network. Deep learning जो है type है machine learning की, inspired by the structure of human brain, जो कि human brain के structure की तरह उस inspire है, उसकी तरह होती है। This structure is called artificial neural network, जो कि ये structure कहा जाता है artificial neural network (ENN). तो इसका एक diagram भी देखते हैं। Here is the diagram of deep learning. We can clearly understand AI, ML and DL, Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning। इसमें देखिए डायग्राम में Deep Learning हमारा क्या है बेसिकली? Deep Learning इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सबसेट है Deep Learning और मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इनडायरेक्टली Deep Learning AI का भी सबसेट हुआ और ML का भी। तो ये डायग्राम है Deep Learning का। लिमिटेशंस ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, द इश्यू ऑफ बायसेस, दीज आर द टू लिमिटेशंस। एडवांटेजेस ऑफ डीप लर्निंग, एडवांटेजेस क्या क्या हैं डीप लर्निंग के? रिड्यूसेस नीड फॉर फ्यूचर इंजीनियरिंग, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम, एलिमिनेट्स अननेसेसरी कॉस्ट, आइडेंटिफाइज डिफेक्ट इजीली दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीप लर्निंग। Some of the disadvantages of deep learning. First one, computationally expensive to train. Deep learning जो है expensive है काफ़ी ज़्यादा train करने में. Large amount of data is required. बहुत ज़्यादा large amount data चाहिए उस train करने के लिए deep learning. No storage theoretical foundation. These are the disadvantages of deep learning. Applications of deep learning. Deep learning की क्या क्या applications हैं? Deep learning basically तो बहुत ज़्यादा काफ़ी फील्ड में होता है. इसमें हम दो ही डिस्कस करते हैं. हेल्थ केयर में हेल्प करता है डायग्नोस करने में काफ़ी सारी डिसीज़ को और ट्रीट करने में, और ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेशन में डीप लर्निंग का काफ़ी वाइड एरिया में यूज है. तो ये यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और यूनिट 1, 2 और 3 की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी हैं. उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. यूनिट 5 का कंप्लीट रिवीजन वीडियो अपलोड हो जाएगी कल, और आप जब भी देख रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा. थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें. कमेंट में बताएँ कैसी लगी वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.